अब सुबह से ख्वार हो रही हूँ। पहले 2 घंटे यहाँ पे वोटिंग रोकी गई है, कोई पूछने वाला नहीं था, धांधली हुई है। ये मैं वोट देने आई थी, ये मैं जाया करके जा रही हूँ। ये जब अगर इमरान खान का नहीं तो किसी का भी नहीं। ऊपर जाओ नीचे जाओ, ये नंबर उधर मिलेगा, ये नंबर उधर मिलेगा। हम भी बच्चे वाले हैं, घर बार छोड़ कर आए। जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाइंसाफी हमारे साथ हुई है वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सर यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम राशन लेने आए हैं, धक्कम बेल चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। जिससे पूछते हैं जितने प्रेजाइडिंग अफसर इन्होंने बिठाए हैं, ऐसा लग रहा है कोई जाहिल आदमी बैठे हैं, किसी को नहीं पता। कराची के बलदयाती इंतखाबात जो एक बहुत ज़रूरी इंतखाबात थे, कई बार वो इंतखाबात मुतासिर हुए, कई बार इल्तवा का शिकार हुए, कई बार कैंसिल होने के बाद बिलाखिर आज इंतखाबात का दिन आ ही गया। आवाम की एक बड़ी तादाद तो नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बायकॉट किया था वो सही किया था? आपने वोटर कास्ट किया अपना? जी जनाब, सुबह से ख्वार हो रही हूँ। पहले 2 घंटे यहाँ पे वोटिंग रोकी गई है, कोई पूछने वाला नहीं था, धांधली हुई है। ये मैं वोट देने आई थी, ये मैं जाया करके जा रही हूँ। ये जब अगर इमरान खान का नहीं तो किसी का भी नहीं। बहुत धांधली हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी मीडिया हाउसेस कहाँ है, आए देखे यहाँ पे किस कदर धांधली हो रही है और कितना पब्लिक को मुश्किल का सामना है। हद होती है यार, गुलशन से आई हूँ, सुबह से ख्वार हो रही हूँ मैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खवातीन कितनी मुश्किल से अपना घर बार छोड़ के आई है वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन इधर इतनी धांधली हो रही है। पूरे हल्का बंदियों समेत ना जाने कितने मजालिम कराची वालों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। आपने किसको वोट डाला? हमने आप किसी को भी डाला, आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे? जिसको भी डाला कोई तो आएगा ना। तो आपको लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो बायकॉट कर दिया, उसके बाद अगर वो होते तो क्या आप उन्हें? यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम राशन लेने आए हैं, धक्कम बेल चल रही है, किसी को कुछ नहीं पता। जिससे पूछते हैं जितने प्रेजाइडिंग अफसर इन्होंने बिठाए हैं, ऐसा लग रहा है कोई जाहिल आदमी बैठे हैं, किसी को नहीं पता। कभी कहीं भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं, आधे से ज़्यादा लोग ख्वार होकर चले गए, तो टाइम भी बहुत कम रहेगी। सेकेंड ये कि यहाँ पर इलेक्शन अभी 2 बजे 2:30 3 बजे के बाद यहाँ शुरू कर रहे हैं। हम पागल थोड़ी हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं यार। कभी कह रहे हैं ऑफिसियल लिस्ट लेके भाग गए, तो यार पागल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे यार, जिनको पता ही कुछ नहीं है। 3 घंटे हो गए हमारे को, पहले 10-11 बजे आया हूँ मैं, 2 घंटे ख्वार होके गया, अब दोबारा आया हूँ, फिर वही मसला की लिस्टें नहीं है इनके पास। जब नहीं है चीज़ें तो क्यों इलेक्शन करा रहे हैं यार? अस्सलाम वालेकुम, आपने वोट डाला? नहीं जनाब। वजह? वजह इसकी है कराची की जो मकामी जमात है उसके साथ ज़्यादती हुई है, और फिर हमारे साथ ज़्यादती हुई है। हम कराची के बाशिंदे हैं, चाहे कराची में रहने वाले कोई भी ज़बान बोलने वाले लोग हों, उनकी गिनती पूरी नहीं हुई, और फिर हल्का बंदियाँ जिस तरीके से की गई हैं वो फिर कब्ज़ा करने वाली बात है। इस वक्त जो कराची की सियासत है उस पर कब्ज़ा पीपल्स पार्टी का है। जमात इस्लामी का किरदार भी ये होना चाहिए था कि उनको भी बायकॉट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कराची को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कराची की जो जमात है जो वो बायकॉट करेगी तो कराची वाले उसके साथ मुकम्मल हिमायत करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आपको लगता है कि बायकॉट करने से कोई इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा? अभी तो जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हल्का बंदियाँ सही नहीं की, इस तरह तो हो सकता है वो कामयाब हो जाए अपने मिशन में? नहीं, कामयाब नहीं होंगी, हाँ जीत ज़रूर जाएंगी, कामयाब नहीं होंगी। कामयाब वही लोग होंगे जो बायकॉट करेंगे, और आपने आवाम का रेशो देख लिया होगा, मुझ समेत सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो इस वक्त रोडों पर मौजूद हैं, लेकिन वोट डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग अंदर भी गए होंगे, स्कूल के अंदर भी आपने वहाँ भी देखा होगा, आवाम का टर्नओवर ना होने के बराबर है, और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी वोट देखे गए। इस वक्त हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की है, लेकिन लोग परेशान हैं, क्योंकि जो लोग माइंड बनाकर बैठे हुए होते हैं कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देंगे, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बायकॉट के बाद ये इंतखाबात किसी एक तरफ बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो हमें नज़र आ रहा है कि इंतखाबात में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन मुत्तहिदा के बायकॉट करने से परेशान आवाम है।